अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दुनिया का सबसे अमीर और विकसित मुस्लिम देश में नहीं है कोई जंगल और पहाड़ी, में कौन सी जगह है, तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। तो प्यारे दोस्तों, वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप लोगों से गुजारिश है कि दिल से वीडियो को लाइक करके पूरा जरूर देखिएगा। वीडियो देखने के लिए जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल वर्ल्ड इंफोनिक्स को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो प्लीज़ दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि मेरा हर पहला वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों, हर देश में कुछ ना कुछ ज़रूर खास होता है जिससे वह शहर अपने नज़रिए और अपनी सुंदरता के हिसाब से अपने ही नाम में चार चांद लगा देता है। शायद यही वो बात होती है जहां पर लोग घूमने भी जाते रहते हैं। दोस्तों, अरब देशों की बात करें तो हर अरब देश में कुछ अलग बात ज़रूर होती है। आज हम जिस देश की बात आपसे करने जा रहे हैं वो है कतर देश। दोस्तों, कतर में सिलसिले में ऐसी कई बातें हैं जो आपको सोचने पर ज़रूर मजबूर कर देगी। कतर दुनिया के सबसे अमीर देशों में से एक देश है। कतर एयरवेज दुनिया की सबसे सम्मानित एयरलाइन कंपनी है। कतर डिप्लोमेटिक एंड ऐसी घटना हुई थी जिसको दुनिया ने हिला कर रख दिया था। सऊदी अरब, मिस्र, बहरीन और यूएई देश ऐसे देश हैं। कतर ने सारे संबंध खत्म कर दिए हैं। कतर को कोई भी पहाड़ी नहीं है। कतर में पहाड़ी के साथ साथ कोई भी जंगल नहीं है। कतर के अलावा तीन देश ऐसे हैं जहां पर कोई भी जंगल नहीं है। ये है ओमान, सेन मरीनो और ग्रीनलैंड जहां पर कोई जंगल नहीं है। कतर में लिंगानुपात का बड़ा संकट है। इसकी वजह से ये बताई जाती है कि 2022 में फुटबॉल, कंस्ट्रक्शन और दूसरे काम के सिलसिले में विदेश से बड़ी संख्या में लोग आए हैं। इनमें अधिकतर पुरुष है। कतर में दूसरे देशों के लोग रोजगार के लिए भी जाते हैं। कतर में बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो पहाड़ी देशों के लोगों के लिए रोजगार मुहैया कराती है। जी हाँ दोस्तों, कतर बहुत ही खूबसूरत है। गए तो नहीं है लेकिन सुने हैं और फोटो पिक्चर वगैरह में देखे हो गए। तो प्यारे दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो दिल से लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।